हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी मैक कॉन्सेप्ट। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं, यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सर्कुलर आया है बीई सेम टू वालों के लिए मेरिट बेस्ड प्रोग्रेशन के बारे में। सो चलिए वीडियो को डिटेल में देख लेते हैं। लेकिन अगर आप मतलब जीटीयू में स्टडी कर रहे हैं तो ऐसे ही इम्पोर्टेंट अपडेट्स के लिए आप मेरे चैनल को इसी वक्त सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको ऐसे ही अपडेट्स जल्द से जल्द मिलते रहे। तो क्या यहाँ पे एक्सटेंशन इन डेट फॉर फिलिंग द रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऑफ मेरिट बेस्ड प्रोग्रेशन फॉर समर 2021 एग्जामिनेशन। तो समर 2021 में जो सारे इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो है मेरिट बेस्ड प्रोग्रेशन दे दिया गया था, और उसके रिगार्डिंग जो है एक फॉर्म भरने को कहा गया था बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग बीई सेम टू रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए। और अगर उन्होंने अभी तक नहीं भरा है तो उसके लिए जो है जीटीयू ने और कुछ टाइम दिया है। काफ़ी लोग कंप्लेन कर रहे थे कि उनका फॉर्म भरना बाकी है, इसलिए जीटीयू ने डेट एक्सटेंड की है और कुछ दिन और दिए हैं, ताकि आप वो फॉर्म जो है रजिस्ट्रेशन का भर सके। सो वो हम डेट डायरेक्टली देख लेते हैं वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए। सो बीई सेम टू रेगुलर स्टूडेंट्स जिनका रह गया है फॉर्म भरना, तो वो लोग कब से कब तक, आज से 1 सितंबर से लेकर 13 सितंबर तक जो है अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, और उसकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस रहेगी 100 रुपीज़। कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जा रहा, जो 100 रुपीज़ था वही 100 रुपीज़ है यहाँ पे। तो आप 100 रुपीज़ फॉर्म भर के का फॉर्म भर के आप अपना रिज़ल्ट आपको मिल जाएगा, मतलब आपको जो है मेरिट बेस्ड प्रोग्रेशन मिल जाएगा और आपको जो है सेम थ्री में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ओके, सो यही था आज का न्यूज़, और ऐसे ही अपडेटेड वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को इसी वक्त सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच गाइस।